आपको बता दें जहां पर किसान के कर्ज की जांच का मामले की जांच करने गए एसडीएम की गुंडाई दिखी है। एसडीएम चंद्रभानु सिंह ने किसान को यहां पर धमकाया है, किसान से यहां पर देखिए पैसे वसूल किए गए गलत तरीके से। उसको जब कहा गया कि आपका कर्ज अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी, उल्टा चार सौ बीस दिन तुमको ना मतलब बैंक के साथ खराब कर रहे हैं, सरकार की छत खराब कर रहे हैं। झूठे के लिए फिर मैं एफ आई आर भी ठोंक दूंगा, ये बता देगा। झूठा अफवाह फैलाएगा तो एफ आई आर भी ठोंक दूंगा, पत्रकार भी जाएगा तुम्हारे खिलाफ भी करेगा। उल्टा चार सौ बीस दिन तुमको ना दूंगा, मतलब बैंक के साथ खराब कर रहे हैं, सरकार की छत खराब कर रहे हैं। झूठे के लिए फिर मैं एफ आई आर भी ठोंक दूंगा। ये बिल्कुल निराधार बात है। इनके द्वारा रास्ते में कब्जा किया गया था, प्रधान द्वारा नाली और रास्ता खड़ने का निर्माण कराया जा रहा था, ये विरोध कर रहे थे, तो मैंने इनको डांट वट दिया था, समझा दिया था। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल निराधार है। और ये जहाँ तक करें धरने में ऐसा कर दिया गया, तो कल से मेरी इनकी मुलाकात भी नहीं हुई। अभी झूठे के लिए फिर मैं हरिपाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर। हरिपाल, या एसडीएम जो यहाँ पर किसान को धमका रहे हैं, पहले बैंक के कर्मचारी धमकाते हैं, अब एसडीएम जो कि जांच करे वो धमकाने लग जाते, कैसे जांच पूरी हो पाएगी? देखिए बिल्कुल शिवांगी, बेहद गंभीर मामला है। किसान से जबरन 5 लाख रुपए बैंक वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब जांच करने के लिए एसडीएम मौके पर गए, तो उन्होंने बाकायदा वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किसान से कह रहे हैं कि मैं तुमको 420 में ठोक दूंगा, जेल भेज दूंगा और खबर दिखाने वाले पत्रकार को भी ठोक दूंगा। हालांकि ये एसडीएम जो अपने कारनामों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने शिकायत करने की किसान की मूछ भी कटवाई थी और उसमें इनकी सासों से जांच भी हो रही है। तो एसडीएम चंद्रभानु सिंह, और खास बात है कि ये डीएम बजरंग श्रीवास्तव के बेहद करीबी है, और शायद यही वजह कि ये सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन एसडीएम जो है चंद्रभानु सिंह अपने कारनामों को लेकर और जो विवादों में घिरे रहने का इनका पुराना नाता है, और तमाम ऐसे आरोप है इनके ऊपर, कई जांचें चल रही है। हालांकि कर्ज को लेकर के जिस किसान को धमका रहे हैं एसडीएम, कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है, और एसडीएम को इस हरकत से किसानों में काफी रोष है। हालांकि एसडीएम बताया जा रहा है कि किसान के ऊपर जेल भेजने का प्रेशर भी बना रहा है, ऐसे में किसान को जेल भी भेजा जा सकता है। और देखिए जो हम तस्वीर देख पा